सर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो गया दोस्तों, देख सकते हो 27/7/2023 का। इसके अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, वो किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं तो रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसीज। मोटी मोटी तौर पर इसके अंदर बड़ा बदलाव ये है कि अब की बार पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर बताया और पूरा सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे और ये इसके अंदर ही तस्वूर दी गई। इसके अंदर देख देखते द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 23 ईयर्स। ड्यू टू नोटिफिकेशन डेट 25/7/2018 एंड 17/5/2018 ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द लास्ट डेट फिक्स रिसीप ऑफ एप्लीकेशन। हाउएवर द अपर एज लिमिटेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर शैल बी 26 ईयर्स और 5 ईयर्स इन केस मैन कैंडिडेट SC/ST OBC MBC नॉन क्रिमिनल EWS एरिया कैटेगरी एंड द वुमेन कैंडिडेट 5 ईयर्स। देख सकते हो आप ये इसके अंदर फिजिकल तो फिजिकल 168 हाइट, 152 सेंटीमीटर तो महिलाओं की हाइट और तो वजन तो महिलाओं के लिए 47.5 kg और एजुकेशन व क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए और पुलिस वो टेली कम्युनिकेशन के अंदर फिजिक्स मैथ होना चाहिए साइंस के अंदर। इसके अलावा आगे देखिए ये होगी तो रनिंग 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 35 किलोमीटर, एक्स सर्विस मैन के लिए 30-25 मिनट। और ये रहेगा सिलेबस रीजनिंग लॉजिक एंड बेसिक कंप्यूटर 60 अंकों के 60 मार्क्स। दूसरा तो बी पार्ट के अंदर इंडिया जीके साइंस और महिला बाल अपराध 45-45। इसके अलावा हिस्ट्री व जियोग्राफी यानी कि तो राजस्थान व जीके 45 और 45 मार्क्स, यानी कि महिला बाल अपराध तो बी पार्ट के अंदर अब की बार ऐड किया जाएगा। टोटल वो 150 क्वेश्चन 150 मार्क है। 40% तो लाने होंगे EWS OBC MBC और जनरल कैटेगरी 37% SC ST। ये ऊपर ये वो डिप्लोमा वाले और NCC वालों के लिए अलग से मार्क्स है। तो अब आपकी भर्ती आ गई है दोस्तों, तो तैयारी शुरू कर दे। धन्यवाद।